हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पे थे, हाउ डू यू अप्रोच प्रॉब्लम्स ऑन दैट? यस, मान लो एक प्रॉब्लम आ गया, सर ये बुकलेट का क्वेश्चन है ना ये सर? ये अलग चीज, अच्छा देखो अगर ऐसे एक क्वेश्चन कर देता हूँ, मान लो ऐसा क्वेश्चन आ गया, ठीक है, अच्छा तो हाउ डू यू, डेल्टा वी दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.1%, मतलब 0.1/100 ऑफ 10, दिस इज द एरर दैट इज गिवन टू यू, दिस इज द एरर, और क्या लगाएंगे हम लोग, लास्ट क्लास कह रहे एम डेल्टा शुड बी कैलकुलेशन पर्पसेस के लिए इक्वल टू एच बाई 4π ले लेंगे, मतलब क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा एक्स हो जाएगा एच और सिर्फ कैलकुलेशन के लिए इक्वल टू रख रहे हैं ना, नहीं तो ग्रेटर देन इक्वल टू रहता है ना, किताबों में कैलकुलेशन के लिए ये कर लेते हैं, डिवाइड पे क्या करेंगे 4 × π, कितना 200 ग्राम बॉल ले रहे हो सर, ये फर्स्ट थर्ड है ना, हाँ 4π m, और सर आपने m इलेक्ट्रॉन का मास लिख दिया, ओ यस यस यस, ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस, ये समझा कैसे करना है सब? यस सर, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था सर, हाँ फॉर्मूला बेस्ड है, थोड़े बहुत कराऊंगा सब लोग, दूसरा सिंपल सा क्वेश्चन करिए, दूसरा आंसर, अरे इलेक्ट्रॉन के लिए है ना,
मैंने इन टर्म्स ऑफ एम बोला है, डेल्टा भी निकाल दूसरे केस में। सेकंड क्वेश्चन का इलेक्ट्रॉन ले रहे हो ना, क्योंकि मास लेना पड़ेगा ना। एम के टर्म्स में दो ना, वैल्यूज क्यों पुट कर रहे हो? आंसर एम के टर्म्स में दे दो। मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं समझा। कौन सा बताओ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? अरे अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन स्पीड दिया है तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डेल्टा वी? सो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डेल्टा वी। यस दिया हुआ है आपको चैट में, आंसर लिखा है। हाँ ठीक, ये सिंपल होगा ना, कैसे करेंगे? So apply the formula and keep m as a variable. Sir, under root. हाँ, delta x delta v है. Delta v square आ जाएगा. Sir, under root h h upon 4 pi. So delta v square is equal to h by 4 pi upon m. मतलब डेल्टा वी किसके बराबर होगा? रूट ऑफ एच बाय फोर पाई है। सर यही निकालने का था सर। हाँ यही निकाल रहे हैं। सब नोट कर लिया? हाँ सर। सर एक मिनट, हाँ फर्स्ट स्लाइड। यस सर डर ठीक है, बात ठीक है ना? डेल्टा वी डेल्टा सही तो है सब, ठीक है। अभी ना इसमें ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है, जितना डिफिकल्ट होगा उतना कहूंगा। इसमें ज्यादा एक मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाओ ना, बट जितना टच कर सकता उतना टच करूंगा। सर वो डेल्टा वी में रूट एच अपन फोर बाय एम आना चाहिए ना? ठीक है, नहीं शुभम डेरिवेशन नहीं करोगे बिकॉज दैट रिक्वायर्स वेरी हाई मैथमेटिक्स, दैट इज फ्रॉम इंटरफेरेंस पैटर्न, तो वो नहीं करने की जरूरत है। एक और क्वेश्चन करो।
सर वो डायमीटर 2 एंगस्ट्रॉम लिखा है ना. हाँ सो ट्राई करो इसका आंसर. तो ये प्रिंसिपल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में एरर या अनसर्टेनिटी वर्ड हो गई ना. हाँ हाँ नहीं राघव गलत है. हाँ राघव सही है. नहीं अभिनव गलत है. ऐसी सात्विक जस्ट फॉर ये कुछ ये नहीं है. तुम ग्रेटर देन इक्वल टू ही बोलना चाहिए. मीनिंग वही है. कन्वेंशन वाइज समझ लो फॉर कैलकुलेशन पर्पसेस. नहीं सुप्रिया गलत है. सही से देखो क्वेश्चन कैसा है. क्वेश्चन कैसा है देखो. नहीं रोहन गलत. आंसर सही दीजिए. नहीं अभिनव गलत है. अर्नव गलत है. मास सब्स्टिट्यूट करके किलोग्राम में ना. अनसर्टेनिटी ऑर्डर ऑफ 10^-6 मीटर. यस किलोग्राम में. ऋषभ गलत है. अनमोल का सही है. आप लोग थोड़ा सा गलती कर रहे हो कुछ लोग. करूं क्या? नहीं सर एक मिनट. सर एक सेकंड. थोड़ा सा गलती है. मतलब क्वेश्चन को समझो. इन ऑर्डर ऑफ 10^-6 है ना. Understand this in order. मतलब ऐसे question आ गया तो what should be your answer? Yes, Naman सही है. Very good. अर्पित फिर से थोड़ा सा गलत कर दियो. सब कुछ सही है. Understand the question. सर मेरा सही है. बताइए कितना था? सर मयंक. हाँ सर बताओ मयंक. तो आप रुको देखता हूँ. नहीं मयंक गलत है. सबका एक ही गलती हो रहा है. क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पा रहे हैं. सर मेरा सही है क्या? ऋषभ गलत है. अभिनव गलत है. सर मेरा. नहीं ओमकार गलत है. या तो यूनिट्स का लोड है. चलो देखो करते हैं इसको. सर मैंने भेजा. देखते हैं इसमें सब कुछ. आप लोग मैक्सिमम लोग तो एक ही चीज गलत कर रहे हो. बाकी आ रहा है. नहीं अनमोल देखो एक बार चेक कीजिए ना. आंसर चेक कर लो. आंसर इज 5. आंसर इज 5. जिसका 5 है सही. अच्छा देखो बहुत लोगों को ये आंसर आ रहा है 5 × 10^-6 मीटर. हाँ सर मुझे भी वही आया. लेकिन क्वेश्चन को देखिए ना. फाइंड इन द ऑर्डर का क्या मतलब है? इस पूरे को 1 यूनिट मान लेना है. तो आप आंसर कितना दोगे? वही एक तो स्लाइट मिस्टेक है. बोला समझो कि क्वेश्चन मुझे 20 आया था लेकिन 5 से डिवाइड करना भूल गया. हाँ देखो कैसे करेंगे इसको.
सिंपल सा है m, ये समझ में नहीं आया 2 एंगस्ट्रॉम का यूज कहां किया, कहीं नहीं यूज क्यों करना है उसका सर, मतलब ऐसे ही दिया है उन लोग, ऐसे ही दिया हुआ है। कैसे लिख सकते हैं बताओ, डेल्टा एक्स कैसे लिखेंगे, सिंपल। बहुत लोगों का आंसर सही आया है बट वो क्वेश्चन समझो थोड़ा सा, क्योंकि देखो हाँ हाँ बाकी तो सही है भाई, फोर फाइव एम कितना दिया हुआ है। अच्छा अभी ध्यान दें सबको, ऐसा यूनिट्स में रखोगे सबसे पहले 10^-3 इंटू कितना रखोगे, 10^-3 इंटू एम तो रख दिया 4πm इंटू डेल्टा वी, डेल्टा वी कितना रखोगे 3.1 इसको कुछ, हाँ और इसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप ठीक है। ठीक है h का वैल्यू आप पुट कर दो, h कितना रखोगे पाई पाई तो कट ही गया, 6.2 -9 आ जाएगा ना, यस सर, ये वाला भी कट जाएगा। तो बेसिकली सिंपल सा ये हाफ इंटू 10 टू पावर कितना बचेगा -25 जो इतना पार्ट है। अब इसके बाद सब सही था, बस क्वेश्चन को थोड़ा समझो, इन दी ऑर्डर का मतलब है आपको उसको एक यूनिट मान के देना है। तो आंसर अभी कितना होगा इस क्वेश्चन के लिए, आंसर कितना होगा 5 इज नॉट इन दी ऑर्डर, मतलब ऑटोमेटिकली वो छिपा हुआ है 5 × 10^-6, तो आंसर विल बी 5 फॉर दिस क्वेश्चन। गॉट इट एवरीवन? यस सर, यस सर, यस सर। नोट कर लो, एक और क्वेश्चन देता हूं। हां बोलो सर, अगेन ऑर्डर 10^-26 नहीं रहता, आंसर 2 × 10^-25 मीटर्स रहता ना, ऑर्डर क्या रहता सर, अगर आपने वो इन ऑर्डर ऑफ 10^-26 मीटर्स नहीं दिया रहता तो आंसर 2 × 10^-25 मीटर्स रहता था ना। हाँ अगर वो नहीं रहता तो आंसर यही रहेगा तुम्हारा, सिंपल 5 × 10^-26 मीटर ही हो जाएगा आंसर, यही आंसर yes. है ना, अगर कुछ नहीं दिया यही आंसर हो जाता, ठीक है ना। हो जाए तो बोलना, आगे बढ़ूंगा। हाँ शुभम, इस सब में SI यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना, SI यूनिट्स के इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो डन राइटिंग हो गया, एक मिनट बस, एक हाँ सर हो गया, अच्छा चलो, ज्यादा इसमें टफ आते नहीं है, एक दो थोड़ा टफ पे जाऊंगा बट उससे पहले थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो ताकि न्यूमेरिकल्स में गलत ना हो। हाँ ट्राई करो, अगेन अ सिंपल क्वेश्चन।
सर प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है. हाँ मास निकालना तो करना पड़ेगा ना सर. एच के टर्म्स में नहीं देना. नहीं नहीं क्वेश्चन मास पूछ रहा ना. हाँ राघव वेरी गुड. यस सुप्रिया वेरी गुड. सर हाँ बोलो. सर वो पिछले वाले सम में हमने वो -10 to the power -25 into 10 to the power -1 into 10 ऐसा क्यों किया था? नहीं फिर से समझा नहीं. पिछले सम में क्या किया था? पिछले सम में वो हमें 1/2 आया उसमें हमने वो into 10 क्यों किया था? हम लोग को इतना आया था ना 1/10 into 10 to the power -25 आया था ना. हाँ सर. Sir, multiply it again by -10 into 10. So basically it's 1, but sir did it so that we can easily substitute the value of 10 to the power minus 26 and 1. Samjha? Yes, sir. Samjha. Sir, मैंने भेजी है. हाँ, very good. यहाँ पर सबका answer very good. Maximum लोग के answer सही है. What is the answer? ये क्लियर है सबको? सर ये सम्स में कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं क्या क्योंकि कैलकुलेशन बहुत बड़ा है? नहीं 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 कैलकुलेशन बड़ा नहीं होगा. यूज नहीं करना है. यूज नहीं करना. चलो ये क्लियर है ना. करने की जरूरत नहीं है ना. ये निकल जाएगा ना सबको. सिंपल वैल्यूज पुट करना है. ठीक है ना. 1 kg इज द आंसर. वैल्यू पाई कैसे निकला? अप्रोक्सीमेटली आता है. पाई तो 3.14 होता है ना. ओके सर. पाई का वैल्यू तो सब्स्टिट्यूट कर ही दो 3.14. सर ये अप्रोक्सीमेट आंसर है ना. हां द 1. कुछ जीरो जीरो कुछ आ रहा होगा लेकिन फिर भी वो 1.00 आ रहा होगा तो 1 ही रखेंगे ना. कितना तो अप्रोक्सीमेटली तो अप्रोक्सीमेटली कितने डेसिमल पॉइंट्स तक हमें मतलब लेना रहता है उससे? ये डिपेंड करता है ऑप्शंस में. जैसे अब ऑप्शंस में तुमको दिया ही होगा 1 दिया होगा वो भी और अगर दिया होगा वो 1.006 कर देना 1.006. अगर ये तो डिपेंड करता है क्वेश्चन सेटर कैसा पूछा है. सपोज ये इंटीजर टाइप में आता कि आपको एक इंटीजर ही देना है तो आंसर कितना देते? 1. ये डिपेंड करता है हाउ इज द क्वेश्चन बिकॉज 1.00 अगर कुछ आ रहा है 2 decimal के बाद तो उसका मतलब 1 ही रह गया. ठीक है चलो अब एक काम देखते हैं. थोड़ा सा इसमें टफनेस थोड़ा बढ़ेगा. नॉट दैट ज्यादा टफ तो आता नहीं है. अच्छा ठीक है. डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ हाँ बोलो. हाँ बोलो. क्वेश्चन कराने की थ्योरी 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 ठीक है ना. ठीक है सर. थ्योरी करा रहा हूँ क्वेश्चन. देखो इसमें है क्या. सपोज इफ वाई इज इक्वल टू सपोज वाई इज डिपेंडेंट ऑन एक्स एज अभी पहले सुन लो उसके बाद क्वेश्चन करेंगे. ये जैसे डिफरेंशियल फॉर्म थोड़ा सा एडवांस वर्जन है. सपोज इफ एनी पर्टिकुलर वाई ठीक है इज अ फंक्शन ऑफ के एक्स ठीक है तो सिंपल सा इसके लिए क्या लगा सकते हैं. अगर मैंने एक्स में डेल्टा एक्स का एरर किया सपोज इफ इन मेजरिंग ऑफ एक्स अभी पोजिशन और वो बाद में लेना. मैं सिंपल सा एक फंक्शन की बात कर रहा हूं. एनी फंक्शन वाई इज इक्वल टू सम लीनियर फंक्शन के एक्स. Suppose if anybody mentions an error of delta x, so how can he write
डेल्टा वाई कितना हो जाएगा? इनटू डेल्टा एक्स, ये लिख सकता है, ठीक है। बट सपोज इफ वाई इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, लीनियर के लिए तो चलता है, बट सपोज वाई इज नॉट अ लीनियर फंक्शन, तो आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कि अब डेल्टा वाई हो जाएगा आपका के इंटू डेल्टा एक्स होल स्क्वायर। दिस इज नॉट द करेक्ट मेथड, ठीक है। अब कैसे करोगे? अब यू नीड टू गो फॉर डिफरेंशिएशन। सो व्हाट आर के एंड एक्स इन दिस केस? के इज एनी सम कांस्टेंट होगा। मैं बस बोल रहा हूं सपोज एनी वाई इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, आई हैव टेकन टू एग्जांपल्स। अगर लीनियर फंक्शन है तो इफ सपोज y इज इक्वल टू के एक्स फॉर्म में है, तो अगर आपने एरर लिया इन x एज डेल्टा x, सो यू कैन डायरेक्टली राइट द एरर इन y एज k डेल्टा x। बट सपोज इफ y इज नॉट अ लीनियर फंक्शन बट अ फंक्शन लाइक एनी फंक्शन लाइक के एक्स स्क्वायर एंड सो ऑन, तब आप ये नहीं लिखोगे, तब आपका आंसर आपको क्या करना पड़ेगा, यू विल हैव टू डिफरेंशिएट दिस। कैसे करते हैं डिफरेंशिएट? 2k y / dx, dx डिफरेंशिएशन आता है ना? यस सर, यस सर, 2kx हो जाएगा। यस yes. अब याद रखना इसका मतलब, अगर मैं इस पर अब क्वेश्चन दूं तो आपको अब ये करना है, दिस इज द फार्मूला दैट यू हैव टू यूज। मतलब आपने dy / dx किया? हाँ, dy / dx, ये याद रखना। हाँ बोलो। अगर आपने x को डिफरेंशिएट कर ही दिया तो 2kx डेल्टा x पे लिख दिया। मतलब x x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया है ना? हाँ सर, y को डिफरेंशिएट कर ही दिया तो डेल्टा x लिखने की क्या जरूरत है? महान। नहीं अभी भी समझा नहीं, मतलब मैंने बोला कि मैंने अब इसका dy / dx लिखा और तो ये सर, आपने डेल्टा x फिर से क्यों लिखा? हम लोग को यही निकालना है, डेल्टा एक्स अगर दिया है तो हम लोग को डेल्टा वाई निकालना है ना। व्हाट इज दिस? इफ सपोज देयर इज एरर एक्स में, तुमने डेल्टा एक्स का एरर लिया है तो वाई में के मेजरमेंट में आपको डेल्टा वाई का एरर आएगा। ओके सर, ठीक है। एरर पॉइंट आपने ये अभी क्या फिर से बोलो सर? ये डेल्टा इज इक्वल टू 2kx डेल्टा x, डेल्टा डेल्टा x एरर्स है ना? हाँ, सपोज द एरर इज गिवन टू यू, दिस इज द एरर इन मेजरमेंट ऑफ व्हाट, x, सो व्हाट विल बी दिस? एरर इन मेजरमेंट ऑफ y। मतलब व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, नोट हो जाए तो बोलना, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज फॉर लीनियर फंक्शन ऐसा चलेगा, जैसे अभी तुम्हारा p वाज इक्वल टू एम वी, एम डेल्टा वी कर सकते हैं, लेकिन अगर एक कोई भी अलग से कोई फंक्शन हुआ तो तब आप नहीं लगा सकते हो फिर सेम कॉन्सेप्ट से। सो व्हाई डिड यू मल्टीप्लाई विद x? dy by dx इतना होता है ना, तो dy को अगर डेल्टा y पुट करेंगे तो डेल्टा y कितना हो जाएगा? इधर ले जाओ, 2kx डेल्टा x होगा ना, तो मतलब डेल्टा y by डेल्टा x is 2kx, अगर दोनों साइड में डेल्टा x मल्टीप्लाई तो डेल्टा y is 2kx डेल्टा x, वैसे वही है। व्हाट इज अगर x पावर ज्यादा है, जैसे 3-4? आवाज क्लियर नहीं, आवाज क्लियर नहीं है सर। एक्स का पावर ज्यादा हो तो 2 से ज्यादा। हाँ तो ठीक कर देता हूँ सर, नेक्स्ट पेज पे जाओ। डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? यस सर। तो आपको एक्स पहले तो उसे डिफरेंशिएट करके वो एरर मिल जाएगा क्या? हाँ हमेशा हमेशा सर, हम फर्स्ट मेथड सर, इसे इस पे क्वेश्चंस कैसे आएंगे समझ में नहीं आता। हाँ वही मैं कराऊंगा, क्वेश्चन भी कराऊंगा सर। एक्स और डेल्टा एक्स दोनों का वैल्यू दिया रहेगा सर, हम फर्स्ट वाले में भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो भी यही आएगा, यही आएगा, करके देख लो, वही आएगा।
डन राइटिंग सर हम फर्स्ट वाला मेथड सेकंड में क्यों नहीं यूज कर सकते कुछ रीजन ऐसा हो रीजन क्या तुम खुद इसको प्रैक्टिकली करके देख लो ना रीजन मतलब यहाँ पर तो उसका स्क्वायर आ गया है ना तो ऐसा ऐसे ऐसे देख लो अगर तुमको निकालना है y को कैसे लिख सकते हैं k into delta x का सॉरी y is what k delta x x k x square है x, x. तो सपोज अगर x में x plus delta x है तो y plus delta y कितना होगा बताओ यही होगा ना एक alternative method yes sir yes sir तो माइनस करो डेल्टा वाई कितना आना चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस टू एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर यही आएगा ना यस सर तो वो नहीं आ रहा है ना देख रहे हो ना ऐसे होना चाहिए ना तो ऐसे कैसे आ रहा है लीनियर फंक्शन और इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं तो बेसिकली 2x डेल्टा x रहता है dx बहुत स्मॉल अगर एरर है एरर ऑब्वियस बात है आपका अब ऐसा नहीं है तुम बोल सकते हो एक्चुअल फॉर्मूला तो ये है बट ऑब्वियस बात है आपसे अज्यूम कर रहा है कि इंसान अच्छे से काम किया है ऐसा नहीं कि एरर ले रहा है सर एरर ऑफ 50% ऐसा नहीं है इफ स्लाइट एरर्स लिया है फॉर स्लाइट एरर्स तो आपका आंसर क्या होगा 2x delta x for slight error in measurement obvious बात है ऐसा इंसान नहीं है कि एक्सपेरिमेंट कर रहा है वो एकदम एरर में डूबा हुआ है तो यही आ गया ना तो नहीं कर सकते ना अच्छा बोला आपने डेल्टा वाई और डेल्टा एक्स रिस्पेक्टिवली ऐड करके कर लिया हाँ ये भी एरर या तो डिफरेंशिएशन करो या ये मेथड लगाओ अच्छा सपोज y इज इक्वल टू सम k इनटू x पावर ऑफ n आ गया बोल रहे हो पावर कुछ अलग आ गया तो कैसे करेंगे बताओ nx raised to n minus 1 डेल्टा y बाय डेल्टा x कैसे करेंगे nx nx raised to n minus 1 सबको आता है डिफरेंशिएशन आता है ना सबको यस सर तो अभी मैं इस पर थोड़े प्रॉब्लम्स दूंगा और आप लोगों को अभी ये याद रखना है कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में आपको अच्छा इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं यू नीड टू गो फॉर डिफरेंशिएशन तो डेल्टा वाई इज इक्वल टू के एन एक्स टू द पावर ऑफ एन बाय एक्स इनटू डेल्टा एक्स लिख सकता हूं यस ठीक है जिसमें से k into x power of n क्या होगा y yes sir मतलब याद रखना बोलो डाउट तो मुझे वो जो ऊपर लिखा है उसमें डाउट है आपने x को प्लस डेल्टा x और y को प्लस डेल्टा y क्यों किया क्वेश्चन तुमसे क्वेश्चन क्या है मान लो कोई फंक्शन है y जो x पर ऐसे डिपेंड करता है kx स्क्वायर ठीक है तो अगर किसी ने x के मेजरमेंट में डेल्टा x का एरर ले आया तो मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि डेल्टा y का एरर कितना होगा बस डेल्टा एक्स कौन सा कैसा है डेल्टा एक्स क्या पहले वाले में हां डेल्टा एक्स तो दिया रहेगा ना क्वेश्चन में कि कितना मेजरमेंट हुआ है एरर में ओके सर वही तो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना अगर आपका कोई फंक्शन है k x स्क्वायर टाइप का तो अगर एरर x में दिया हुआ है तो आपको एरर y में कितना होगा ऐसा नहीं करते हैं मैं ये बोलना चाह रहा हूँ ये डोंट गो अब ऐसा मत कर देना कि सर एरर दिया हुआ है एक्स में तो एरर इन वाई विल बी दिस ये नहीं लगता है अब ऐसे नहीं करेंगे अब सबको क्लियर है ला सर
अब जो फॉर्मूला लेकर समय y को डिफरेंशिएट करने से मतलब है, x को डिफरेंशिएट करने से मतलब है ना? हाँ, y फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है तो हम लोग को सिर्फ डेल्टा y डेल्टा x का ऑपरेशन करना है, y x को लेना देना ही नहीं है इसका मतलब। हाँ नहीं, y और x का तो लेना देना, इसे डिफरेंशिएट करने के लिए सर। हाँ डिफरेंशिएट कर लो। But so why can't we take it like that? किस कौन सा? So which you give right now? Delta y equals to k delta x square. Because it is not a linear function, na. मैं इसको वही तो prove किया mathematically. देखो ना, actually में तो ऐसा error आना चाहिए ना, ये linear functions के लिए काम करेगा ना। ये जो यहाँ तो दिखाया हुआ ना proof mathematically, what are we doing? अगर y k x square है तो y plus delta y तुम ऐसे खुद ही देख रहे हो कि नहीं हो पा रहा है, करेक्ट मेथड है ही नहीं, खुद ही देख लो, तुम प्रैक्टिकल वैल्यूज डाल के देख लो, ये समझा सब लोग? यस यस सर। तो इनिशियली आपने y is equal to kx करे तो y plus delta y दोनों साइड ऐड किया, उसको स्क्वायर किया, तो ये दूसरा मेथड हुआ करने का। हाँ मतलब ये वही मेथड को प्रूफ कर रहा हूँ, डिफरेंशिएशन से करो या ये ऐसे करो। yes. या तो डिफरेंशिएशन से करो या तो तुम ऐसे करो। ओके सर, ठीक है, जो तुमको करना है करो। तो डन राइटिंग हो गया? यस सर, हो गया। सर एक मिनट, आप लोग क्वेश्चंस कर रहे हो कि नहीं होमवर्क वाला? यस सर। यस सर। हां सर। हां सर, टाइम लगता है बस थोड़ा। हां वो तो स्पीड से आ जाएगा, उसका कोई लोड नहीं है, वो तो ठीक है स्पीड से आ जाएगा। चलो हो गया? यस सर, डन डन। चलो इस पर एक क्वेश्चन दूं, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं, थोड़ा सा टफ पड़ सकता है बट चलो देखता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं क्वेश्चन, मुझे एक क्वेश्चन खोजने दो टफ वाला, देखता हूँ कर पाते हो कि नहीं। जस्ट अ मिनट। चेक करो, ये ट्राई करो तुम लोग, देखते हैं समझ पाते हो कि नहीं। अगर कर लिए तो बहुत अच्छी बात, आप में से कोई अगर कर लेता है तो ठीक है। फाइंड This is the highest level that can be touched. ठीक है ना, highest level. वैसे बहुत simple आते हैं, थोड़ा सा advance में अगर आ सकता है तो ये वाला question सब type के आ सकते हैं, ठीक है? ये try करो खुद से, मैं भी देखूं कि कोई कर पा रहा है कि नहीं, करना तो ही मुझे। सर टाइम दीजिएगा। हाँ अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं समझ पाए हो कि, और हो जाएगा, थोड़ा सा क्लैरिटी रखो, थोड़ा सा ट्राई करो क्या बोलना चाह रहा। यहाँ ऑप्शंस भी देता हूँ। नैनोमीटर लिखा है, एन ही लिखा है। सर पोटेंशियल डिफरेंस वो 6 वोल्ट है ना? हाँ पोटेंशियल डिफरेंस वो 6 वोल्ट है, नैनोमीटर लिखा है। ठीक है।
सर एक बार उसका फॉर्मूला वापस लिख सकते हो? किसका? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का। हाँ लिख देता हूँ, लिख देता हूँ। सर एच अपॉन एम बी यूज करना है कि एच अपॉन बी यूज करना है? कुछ भी यूज करो, एच अपॉन भी तो है, सेम ही तो है, जो यूज करना है। समझा सब लोग क्वेश्चन? समझा सब लोग क्या है? आपने किसी इलेक्ट्रॉन को रेस्ट की, रेस्ट से एक्सेलरेट किया, ठीक है, अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 वोल्ट। ऑब्वियस बात है दैट इलेक्ट्रॉन विल गेन सम स्पीड। तो आपसे पूछ रहा है, आपने उस इलेक्ट्रॉन का पोजीशन में आपको एरर दिया हुआ है नैनोमीटर्स में, तो पूछ रहा है व्हाट विल बी द अनसर्टेनिटी इन डी ब्रॉगली वेव। सर तो इसमें हम लोग को पहला वाला फॉर्मूला यूज करना है ना? पहला मतलब कौन सा? वो पहला कौन सा बोल रहे हो? तो मतलब वो डिफरेंशियल वाला नहीं यूज करना है? डिफरेंशिएशन वाला ही करना है ना, दिमाग लगा, डिफरेंशिएशन वाला ही तो करना है इसमें। ओके सर। सर तो हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यूज करके पहले वेलोसिटी निकालना है और फिर अकॉर्डिंगली। हाँ करो 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 करो। सर इधर वो वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, रूट अंडर 150 बाय वोल्टेज। हाँ हाँ वो करो, वो करो। नहीं अनमोल गलत है। नहीं पार्थ गलत है। नहीं पल्लव गलत, नमन का सही है। यस हाँ करो निकालो। मैंने चैट पे डाला सर हमें अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी निकालना है। नहीं डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकालना है। आदित्य का सही है, वेरी गुड। नहीं झलक गलत है, ऑप्शन दिया हुआ है ना गलत है ना। आकाश दिया हुआ है ना ऑप्शन, तो 6 एंगस्ट्रॉम नहीं गलत है। यस सुहानी, यस करेक्ट है, एकदम सही है सुहानी का सिल। निनाद गलत है, अनमोल का सही है।
यस आर्यन वेरी गुड. करूं इसका आंसर एक सेकंड सर. माय आंसर हाँ मैं सब बहुत आंसर्स आ रहे हैं तो बताइए नाम बताइए फिर मैं देखता हूँ. आंसर्स एक ही साथ बहुत आ रहे हैं. ये शौर्य का सही है बताता हूँ. रुचिता सही है. अनमोल सही है. निनाद का सही है. वेरी गुड. बहुत लोगों का सही है. ऋषभ का भी सही है. आर्यन का भी सही है. अनमोल नियम वेरी गुड. अच्छा आदित्य सही है आपका. पल्लव गलत है देख लो एक बार. नमन सही है. सुहानी सही है. शिवेश गलत है. यस राघव का सही है. वेरी गुड. वेदांत का सही है. नहीं यार अब गलत है. चलो करें इसको. अच्छा मैं लिख सकता हूं ना. सब देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस कैसे अप्रोच करते हैं. लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम वी लिख सकता हूं. ठीक है सबसे पहले व्हाट इज एरर इन डी ब्रोगली वेवलेंथ कितना हो जाएगा बताओ. ये लिख सकता हूं सब लोग. अरे कैसे लिखा. डिफरेंशिएशन करके. डिफरेंशिएशन नहीं आता है क्या. हां सर हां समझ गया. यस अगर माइनस साइन तो आपको साइन बताता है. मैग्नीट्यूड वाइज अगर चला जाए तो कितना होगा. एरर इन डीप ब्रोगली वेवलेंथ कितना होगा. डेल्टा वी बाय एम. डेल्टा वी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ. डेल्टा वी स्क्वायर को चेंज करना होगा. हाँ इसका मतलब यहाँ आता है. मतलब अगर मुझे एरर इन स्पीड मालूम है. ध्यान से सुनिएगा कैसे करना है. एरर इन स्पीड मालूम है तो मैं एरर किस में निकाल सकता हूँ. डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो मुझे सबसे पहले तो क्या चाहिए. एरर इन स्पीड. एरर इन स्पीड. अच्छा अब मैं लिख सकता हूँ एक्स डॉट डेल्टा वी. चांस डेल्टा एक्स इनटू एम डेल्टा वी किसके बराबर है. फोर एच बाय फोर. एच अपन फोर पे. इसका मतलब डेल्टा वी किसके बराबर होगा. एच अपन फोर पाई एम डेल्टा. अच्छा मैं डेल्टा लैम्डा को एरर को लिख सकता हूं एच बाई तो सॉरी एम वी स्क्वायर होना चाहिए नीचे में. डेल्टा लैम्डा कैसे लिख सकता हूं. एच बाई एम वी स्क्वायर इंटू डेल्टा वी है ना. डेल्टा वी को एक काम करो. डेल्टा इस एक्सप्रेशन को एम बाई एम से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो. सर यहाँ तक क्लियर है. कोई डाउट नहीं है ना यहाँ तक. नहीं. और एम डेल्टा वी को क्या लिख सकता हूँ मैं. एम डेल्टा वी फ्रॉम दिस एक्सप्रेशन. हाँ मतलब अभी मैं इसी के टर्म्स आना चाह रहा हूँ. एच बाई एम वी स्क्वायर इंटू एम डेल्टा वी इज एच बाई 4 pi delta x into m. इसको मैं लिख सकता हूं h square by क्या 4 pi
डेल्टा एक्स एम पी का होल स्क्वायर। तो मैं फाइनली ये लिख सकता हूं डेल्टा लैम्डा इनटू डेल्टा एक्स विल बी इक्वल टू एच स्क्वायर बाय सर डेल्टा एक्स दिया है ना क्वेश्चन में। हाँ हाँ दिया कर रहा हूँ सर। और एच बाय एम बी का भी वैल्यू दिया। हाँ वही बोल रहा हूँ। तो फाइव स्क्वायर हो जाएगा। तो बेसिकली ये लिख सकता हूं कि नहीं, ये फॉर्मूला याद रखना, ये लिख सकता हूं ना लैम्डा किसके बराबर होता है, लैम्डा इज एच बाय एम वी, ये लिख सकता हूं ना। यस सर। अच्छा लैम्डा कैसे निकालेंगे अब, लैम्डा याद है मैंने बताया था, लैम्डा कैसे निकालेंगे, मैं वोल्टेज का रूट, हाँ रूट 150 बाय वोल्टेज कर देना, तो लैम्डा तो निकल गया कितना आ रहा है, 5 आएगा 5 एंगस्ट्रॉम सर, 150 डिवाइड बाय 6 रूट 25 व्हिच इज 5 5 लैम्डा मालूम ही पड़ गया। ठीक है और डेल्टा एक्स का वैल्यू कितना है सर, पाई पाई कैंसिल, 1 बाय पाई नैनोमीटर है, यूनिट्स देख लेना, 10 टू द माइनस 10 टू द माइनस 10 करेंगे, माइनस 9 करेंगे ना सर, मैं बोल रहा हूँ आरएचएस पे 10 टू द माइनस 10 करेंगे क्योंकि एंगस्ट्रॉम में है ना। ओके ठीक है, हाँ बाकी पुट कर लेना, आंसर करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। सबको समझा कैसे करना, हाउ डू अप्रोच सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। यस सर। सर तो जैसे एग्जाम में ऐसे तो हमें ऐसे क्वेश्चंस के लिए कितना टाइम देना चाहिए? देखो पहली बार समय लगेगा, अदरवाइज वंस नो दी अप्रोच तब तो ये क्या बोलते हैं एक मिनट का प्रॉब्लम है। बहुत लोग तो जल्दी दे रही है, बहुत लोग तो बहुत जल्दी दिए हैं, तो मतलब पहली बार हो सकता है समय लगेगा, प्रोवाइडेड अगर वो भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, बट अगर इफ यू नो दी अप्रोच डायरेक्ट अप्रोच तो आपका आंसर तो बहुत डायरेक्ट आ जाएगा। चलो एक और क्वेश्चन देता हूँ, क्वेश्चन दू एक और प्रकृति, मेरे ख्याल से अब तो आ जाएगा ना सब्स्टिट्यूट द वैल्यूज, डेल्टा लैम्डा पूछ रहा है सब, क्या पूरा करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करो वैल्यूज, 0.625 आ जाएगा, ठीक है जस्ट सब्स्टिट्यूट इट, दिस इज द लेवल जो मैक्सिमम पूछा जा सकता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो पूछता नहीं है। अच्छा आई एम मूविंग अहेड, ठीक है yeah. हाँ बोलो सर, एक मिनट कॉफी। हाँ एक और देता हूँ, दो क्वेश्चन ट्राई करो सर, 5 एंगस्ट्रॉम है ना आंसर, आंसर इज 0.625 एंगस्ट्रॉम ना, हाँ ये लैम्डा इज 5 एंगस्ट्रॉम, ये एडवांस पर ही है, ये एडवांस पर लैम्डा तो 5 एंगस्ट्रॉम नहीं होगा ना, 0.5 हाँ लैम्डा 5 एंगस्ट्रॉम है। जो लास्ट में आपका इक्वेशन आया वो याद रखना है। हाँ तुम एक क्या कर सकते हो, डायरेक्टली इक्वेशन भी याद कर सकते हो, उसे मैं डिराइव कर दिया, दिस इक्वेशन कम्स इन वेरी हैंड, ये वेरी यूजफुल ये इक्वेशन, ये आप याद कर सकते हो। चलो आगे बढ़ो, सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखो कर पाते हो कि नहीं, अब तुम्हें ख्याल से कर जाना चाहिए।
the position of electron. हाँ position of electron. अगेन अ गुड क्वेश्चन, ट्राई करो देखते हैं कितना आ रहा है इसका आंसर. समझा सब लोग क्वेश्चन? दिस इज अ मिक्सचर ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. सो कैन यू राइट द फॉर्मूला व्हिच यू डिराइव्ड लास्ट इन द लास्ट स्लाइड वंस अगेन. हां सिंपल सा केस है. लैम्डा स्क्वायर, h स्क्वायर नहीं. ओ हाँ सॉरी सर, लैम्डा स्क्वायर. लैम्डा नहीं, प्रणव गलत है. 4 पाई आया था ना फॉर्मूला. हाँ प्रणव अब सही है. वेरी गुड जयराग. आयुष वेरी गुड. आरुष गलत है. शुभम सही है. राज सही है. वेरी गुड. अनमोल का सही, आदित्य का सही है. यस निनाद वेरी गुड. सर मेरा सही. नमन गलत है आपका. हाँ आर्यन सही है एकदम. वेरी गुड. मेरा बताइए एक बार. ऋषभ. ऋषभ देखता हूँ एक बार. ऋषभ हाँ ऋषभ सही है. यस समर का सही है. वेरी गुड. करूँ अब? नमन गलत है आपका. सर एक सर इसमें तो डायरेक्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना. हाँ हाँ करो ना भाई. ये सिंपल है. वंस आई हैव टोल्ड यू द टेक्निक तब तो जल्दी आ जाएगा. नहीं गलती मत करिए. भवन गलत कहाँ कर दिए? एक बार दे दिया तो बहुत जल्दी हो जाना चाहिए ना. नहीं रोहन गलत है. किरण कहाँ चले गए आंसर में? कहाँ चली गए? नमन का सही है. चलो देखो इसका. सुप्रिया गलत आ रहा है ना. कुछ ही लोग का तो आंसर कुछ भी आ रहा है. आप लोग का किसी किसी लोग का फॉर्मूला आपके सामने है. अच्छा क्या होगा इसमें? डी ब्रॉली वेवलेंथ. व्हाट इज द काइनेटिक फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हाँ वही तो. एच वी इज इक्वल टू व्हाट? काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन. बहुत लोग आंसर अभी भी देखिए कितना ये आ रहा है. एनर्जी ऑफ इंसिडेंट लाइट कितना है? 4.5. दिस इज काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन कितना होगा? 3. तो काइनेटिक एनर्जी कितना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट? 1.5. ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ना. अब तो सिंपल बन गया. मैं तो इतना डिराइव करके ले आया हूँ. मैंने तो बहुत डिराइव करके ले आया ना. तो इसका मतलब हाँ अब तो सिंपल हो जाना चाहिए. याद आ रहा है सबको? yes. तो ये 10 हो जाएगा.
और अब सब्स्टिट्यूट कर दो, अब शूट कर दो डायरेक्ट, मतलब 25 बाय 4 पाई ठीक है इनटू 4 इनटू डेल्टा लैम, डेल्टा लैम्डा निकालना ही है, लैम्डा स्क्वायर कितना सर 100 अपॉन 4 100 4 पाई सर ये तो सिंपल सा क्वेश्चन था ना यार, अब तो बन जाना चाहिए। वंस यू नो दिस फॉर्मूला व्हिच आई हैव डिराइव्ड, द प्रीवियस वन वाज अ बिट टफ, अदरवाइज एनी कॉम्बिनेशन कैन बी डेल्ट विथ नाउ। समझा जिन लोगों को कुछ भी आंसर्स आ रहे हैं? यस सर अब चेक करो। चल एक लास्ट क्वेश्चन दे रहा नहीं नहीं हम ये एडवांस में ही पूछता है, मेंस बुतना नहीं पूछेगा, दिस इज एडवांस। ठीक है ना, सो शुड आई मूव अहेड? यस यस सर एक मिनट। हाँ जो लोग गलती किए थे समझ में आया ना कहाँ गलती की हो, कुछ लोगों का गलत आया था पता नहीं क्यों, है ना। मिस्टेक मत करो, सिंपल सा ही क्वेश्चन है, डोंट गो फॉर मिस्टेक्स मत करो। सर पिछले वाले क्वेश्चन के लिए आपने ये फॉर्मूला डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए निकाला था, तो ये नॉर्मल वेवलेंथ के लिए भी चलेगा? नॉर्मल मतलब वो हाँ सर जैसे फोटॉन एमिट कर, हाँ वही उस सब के निकलेगा, बट उसके लिए फिर तुम्हारा कुछ अलग इक्वेशन बन जाएगा। सर फोटॉन के लिए तो अलग वेवलेंथ, हाँ अलग वेव, कुछ अलग ही बन जाएगा इक्वेशन, मतलब इसीलिए ये दिस इज फॉर डी ब्रोगली वेवलेंथ। ये वेवलेंथ ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन के जगह डी ब्रोगली वेवलेंथ होना चाहिए। हाँ लेकिन ये हमेशा क्वेश्चन में देता नहीं है, ये मैंने बताया था ना जब भी कोई पार्टिकल मूव कर रहा हो तो उसके साथ जो वेवलेंथ होगा वो हमेशा क्या होगा बाय डिफॉल्ट, वो क्या मांग रहा है डी ब्रोगली। ये देगा नहीं, वो देना चाहिए ऑब्वियस बात है, बट देन वो अजम्पशन है, वो आपको मालूम होना चाहिए कि कब आपको डी ब्रोगली यूज करना है और कब आपको एचसी बाय लैम्डा करना है। लेकिन बोर मॉडल में इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट कर रहा है फ्रॉम अ हायर ऑर्बिट टू लोअर ऑर्बिट, तब जो आता है दैट इज नॉट अ डी ब्रोगली वेवलेंथ, दैट इज नॉट अ पार्टिकल, वहां पर एक फोटोन एमिटेड होता है, तो उसका लैम्डा होता है एचसी बाय लैम्डा जो होता है एनर्जी, ठीक है ना, तो वहां तो अलग रहेगा, यहाँ पार्टिकल है। चलो आगे बढ़ू अब, ठीक है लास्ट क्वेश्चन ऑन दिस लेवल। तुम लोग अपने आंसर्स के साथ प्रिपेयर्ड रहना, मैं आंसर्स लिखूंगा देखना आता है कि नहीं, ठीक है ना, बिकॉज इसको शायद टाइप करने में थोड़ा सा दिक्कत हो आप लोगों को। वो के जूल है ना? हाँ के जूल है। किसका अनसर्टेनिटी है? काइनेटिक एनर्जी का ना, पढ़ो क्वेश्चन। हाँ करो, सर आपने वो काइनेटिक एनर्जी का अनसर्टेनिटी लिखा है। हाँ अनसर्टेनिटी, अगर काइनेटिक एनर्जी के जूल्स है बट एरर उसके मेजरमेंट में इतना है 6 × 10⁻⁶, देन कैलकुलेट द एक्सप्रेशन फॉर uncertainty error in speed and error in position, just I'm giving all of you 5 minutes,
आंसर्स के साथ रेडी रहो, उसके बाद चेक कर लेना आंसर सही है कि गलत है। क्वेश्चन क्लियर है सबको? सर इधर वो डिफरेंशियल वाला लगेगा। हाँ हाँ देखो तुम खुद ही सोचो, तुम फॉर्मूला देखो ना, तुमसे पूछ रहा है अनसर्टेनिटी इन स्पीड और काइनेटिक एनर्जी और स्पीड कैसे रिलेटेड है, इज इट अ लीनियर फंक्शन? नो सर, लीनियर फंक्शन तो नहीं है ना। हाँ सर क्वाड्रेटिक है। हाँ तो इसका मतलब तुमको करना पड़ेगा ना। हो जाए सबको, पांच मिनट बाद तो बोलेगा, जस्ट राइट डाउन दी आंसर देन चेक योर आंसर्स। इलेक्ट्रॉन कितना मास कितना होता है? सर मास की जरूरत है ही नहीं ना। नहीं एक्सप्रेस क्यों नहीं है, काइनेटिक एनर्जी हाफ एमवी स्क्वायर होता है ना। बट सर स्पीड ओके सर आगे तो रूट में आ रहा है। फिर आंसर लिखो इसका। नो सर अभी हाँ, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ अपना आंसर टाइप मत करो, मैं आंसर देता हूँ फिर बताना कि मैच कर रहा है कि वही बोला कि इसको टाइप मत करना। सब मैंने भेजा अनमोल। नहीं अनमोल ये तो यहाँ नहीं दिख रहा है। सर पूरा सिंपलीफाइड वर्जन में दे रहा हूँ, लिखता हूँ मैं आंसर, लिखता हूँ देख चेक करो तुम लोग। देखो तो आज पहला आंसर डेल्टा वी का ये दिया हुआ है। चेक करो तो सही कुछ तो आ रहा है। अच्छा कैसे लगाएंगे अप्रोच, क्या करेंगे? ऐसे यही आ रहा है।
यही आ रहा है. वेरी गुड सर. मुझे रूट क्या आ रहा है? रूट टू के लिए. तो ऊपर में भी 6.29 ही आ रहा है क्या? हाँ सर अप्रोक्सीमेट करेंगे तो. ये काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे? हाफ एम वी स्क्वायर. तो करना यही है. एरर इन काइनेटिक एनर्जी बाय एरर इन वी डेल्टा वी इज इक्वल टू हाफ एम वी डेल्टा वी आ जाएगा सर. माइनस एम बाय वी क्यूब आता है. माइनस एम वाई वी क्यूब कैसे आ गया? सर यही आएगा. नहीं सर एम वी डेल्टा वी. देखो तो आंसर सबको मैच कर रहा है क्या? सर इसके बाद आपसे सब्स्टिट्यूट करना ना. हाँ इसके बाद सब्स्टिट्यूट करना है. सर डेल्टा के ही हम लोग को 6 into 10. हाँ डेल्टा के ही तुमको दिया ही हुआ है. डेल्टा के सर m का वैल्यू हमारा 1/2 m आपको. सर डेल्टा v कहाँ पता है? सर v भी नहीं मालूम. अरे डेल्टा v तो निकालना है. सर v हम बता रहा हूँ हमारा k equal to 1 और मुझे मालूम है ना v कितना हो जाएगा. v मालूम है ना. v under root 2 k by m. under root 2 k by m ना. k by m लिख सकता हूँ ना. लिख सकता हूँ ना. k ही को k बोल रहा ना. बस k के टर्म्स में तो एक्सप्रेस करना है तो v भी मालूम है आपको. मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए डेल्टा वी. चेक कर लेना. एंड हाउ डू कैलकुलेट डेल्टा एक्स? सर फॉर्मूला फॉर्मूला लगा फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट करना है. हां एंड वंस वी नो द एरर इन मेजरमेंट ऑफ स्पीड वी डेफिनेटली नो द एरर इन मेजरमेंट ऑफ सॉरी स्पीड. हां एरर इन मेजरमेंट ऑफ पोजीशन. You can check this. I think ही आ जाएगा. ठीक है ना? Yes. आगे बढ़ूँ? है ना? आ जाएगा. So, depend करता है. आ तो सकता ही है calculations ना? Sir, V कैसे आया? कौन सा? V is equal to. Kinetic energy क्या होता है? Half mv square होता है ना? तो v किसके बराबर होगा? तो सर हाँ बोलिए सर. सर मतलब एक एक क्लासिक कंफर्म कर दिया. अगर y इक्वल x स्क्वायर तो dy इक्वल टू x डेल्टा x ही आएगा ना. अगर y इक्वल टू x स्क्वायर है तो dy इक्वल टू. सर मतलब उसे कंफ्यूज्ड हो गया था ना. मतलब डेल्टा k कैसे लगाया तो आपको फिर mv डेल्टा भी मिला. इसको जो पूछना पड़ा मुझे. हाँ रुको रुको क्या पूछे फिर. मतलब अगर y इक्वल टू सम फंक्शन ऑफ k x स्क्वायर है तो डेल्टा वाई कितना होगा? k इनटू 2x डेल्टा x. 2x डेल्टा x यू. ठीक है चलो आगे बढ़ो. आप ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल मतलब हम लोग कर तो लिए हैं बट एक चीज तो पक्का है. पहला पॉइंट हाइजेनबर्ग ने क्या बोला. अब शॉर्ट में इसको आप कंक्लूड कैसे करेंगे इस पूरी बातों को कि पार्थ या ट्रिजेक्ट्री ऑफ अ मूविंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैनॉट बी डिटरमिंड. यही इस अच्छा इसका इम्प्लीकेशन सबसे ज्यादा उस समय किस बात पर पड़ा? बोर क्या बोलता था? बोर तो अपने कैलकुलेशंस में क्या क्या निकाल दिया था? स्पीड भी निकाल दिया था. हाँ स्पीड भी निकाल दिया था और साथ ही साथ क्या निकाल दिया था? 0.529 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर मिलेगा. बेसिकली दिस हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बाद this led to failure of which model? Bohr's model. Bohr model. Bohr's model.
इसके बाद बोर का मॉडल एक और याद है मैंने इसमें लिखाया भी था बोर मॉडल में दिस वाज वन ऑफ द फेलियर्स इन फैक्ट नाउ व्हाट हैपेंड वाज हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल दैट नाउ रिप्लेस्ड तो पार्टिकल माना था उसके बाद डी ब्रॉगली ने थोड़ा उसको वेव लाइक प्रॉपर्टीज बोला हाइजेनबर्ग ने उसको थोड़ा और मॉडिफाई किया तो हुआ क्या हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आने के बाद नाउ द एंटायर बोर मॉडल का फेलियर आ गया ठीक है नाउ देयर वाज नथिंग एज ऑर्बिट्स बट नाउ अब आप लोग एक नया टर्म देखेंगे व्हाट इज दोस ऑर्बिटल्स यस नाउ देयर वाज नथिंग एज ऑर्बिट्स बट नाउ देयर वर ऑर्बिटल्स क्वांटम मैकेनिकल हां नाउ बेसिकली मतलब हाइजेनबर्ग कंक्लूडेड कि आप क्या कर सकते हो दैट वी कैनॉट फाइंड That we can only find what? The probability of an electron around nucleus at a point, but we cannot find its exact position. सबको समझ में आया क्या बात बोला मतलब अब पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ क्या बोलते हैं the orbits collapsed. There are only orbitals now. We are entering the quantum mechanical model. ऑर्बिटल क्या है हम बता रहा हूं मतलब बेसिकली हम लोग क्या निकाल सकते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ एक पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के होने की प्रोबेबिलिटी इसके अलावा आप कुछ नहीं बता सकते हाँ बोलो सर ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल्स में मतलब क्या डिफरेंस है हाँ बता रहा हूँ स्लाइड पे इतना ही लिखना है हाँ इतना ही लिखना सर डन राइटिंग हो गया वेट सर भविन आज हाइजेनबर्ग में तो ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं बुकलेट पे लेकिन होमवर्क दे दूंगा हाँ नीरज वाले से दे दूंगा अच्छा नीरज कुमार आप लोग को बुक दिया हुआ है ना उसमें से पूरा स्टार्ट करो ना फाउंडेशन में वो खुद ही दिया हुआ है तुम आराम से बोर मॉडल तक करना स्टार्ट करो सर हम लोग को गौरव सर ने भी कराया था थोड़ा हां उसे कर चल आगे बढ़ूं यस सर सो नाउ अगर एक डिफरेंस देखा जाए क्या मेन डिफरेंस है ऑर्बिट्स जो बोर के हिसाब से था दैट दोज वर फिक्स्ड एनर्जी शेल्स आई हैव वेल डिफाइंड सर्कुलर पाथ्स यस यही था ना ठीक है और ऑर्बिटल्स क्या है बताओ अब ऑर्बिटल्स क्या है ऑर्बिटल्स आर थ्री डायमेंशनल रीजन अराउंड द न्यूक्लियस वेयर
इलेक्ट्रॉन इज मोर कॉन्सेंट्रेटेड. यस, मोर लाइकली या मोस्ट लाइकली. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी, probability of finding electron greater than 90%. अभी wave function भी आएगा. अब आएगा इसके. ठीक है. तो ना electrons orbits में ढूंढने जाते क्या, orbitals में ढूंढे जाएंगे ऐसा है क्या? Orbits तो नाम हुए, अब वो orbitals है. कोई well defined path तो है ही नहीं. मैं तुम उसे पूछोगे सर कैसा घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, तो मैं बोलूंगा पहली बता दूंगा ये कोई वेल डिफाइंड पाथ है ही नहीं, आप वो विजुलाइज ही नहीं कर सकते. आप विजुलाइज ही नहीं कर सकते. तो पोजीशन तो हम पता कर सकते हैं ना, मतलब कहां पर है इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में. ऑर्बिटल्स तो खुद ही प्रोबेबिलिटी मॉडल है ना. पोजीशन तुम तो तन्वी, ये उसका जो शॉर्टेंजर जब आगे करेंगे तो इसी ने क्या किया था, जहां जहां 90% से ज्यादा का प्रोबेबिलिटी है उन्हीं एरियाज को प्लॉट किया था. कॉन्ट्रोल डायग्राम बोलते हैं उसको. तो उसने 90% से ज्यादा का रखा था, उसको एक रीजन रखेगा ना. हाँ यस अनमोल, दैट इज एक्चुअली दैट इज ये मेजर करेंगे तो वेव फंक्शन कोलैप्स हो जाएगा. ये समझा सब लोग? बेसिकली अगर यहाँ न्यूक्लियस है तो आप हर पॉइंट पर आप सिर्फ क्या बता सकते हो कि इस पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन के होने की क्या है प्रोबेबिलिटी. सर बट तो फिर ऑर्बिटल्स में मतलब किस पॉइंट के बारे में बात कर रहे हैं जहां 90% से ज्यादा प्रोबेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की? मतलब ऑर्बिटल्स जैसे मान लो आगे करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, मान लो मैं बोलूं न्यूक्लियस है और एस ऑर्बिटल आएगा. एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप है, तो इसका क्या मतलब है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस है तो इस रीजन के अंदर एक स्फीयर इमेजिन करो, इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है. आगे करेंगे ये इसका मतलब वैसे 90% ही क्यों है, क्योंकि मतलब हरी एटम में न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन तो होते हैं. नहीं नहीं, एक सिंपल सा बात है उसको हर एक, फिर से बोलो क्या बोल रहे हो. 90% हाँ बोलो. मैं बोल रहा हूँ कि जो न्यूक्लियस है मतलब हर ही एटम में तो इलेक्ट्रॉन्स तो होते ही हैं, तो मतलब वो 100% रहना चाहिए ना प्रोबेबिलिटी की, मतलब इलेक्ट्रॉन तो न्यूक्लियस के पास मिलेगा ही, तो 90% क्यों है? 90% है 90%. नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है न्यूक्लियस के पास मिलेगा, इसके होने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है ना. इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास ही मिले. तुम जब ये वर्ड यूज कर रहे हो प्रोबेबिलिटी ही, ऐसे समझो ना, एक न्यूक्लियस है पॉइंट, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है. ये जितने सॉरी ग्रीन पॉइंट्स बना रहा हूं, ब्लू पॉइंट सॉरी, इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है. तो अब मुझे एक रीजन बनाना हो जहां इलेक्ट्रॉन के फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो, तो मैं क्या करूंगा? श्रोडिंगर ने क्या किया जो नेक्स्ट क्लास करेंगे, उसने हर एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट किया. ठीक है, और जहां जहां ये प्रोबेबिलिटी 90% से ज्यादा आया उन सब को प्लॉट किया, और जो रीजन आया उसी को उसने ऑर्बिटल बोल दिया. ओके सर. एक्चुअली में दिस वाज हिज कॉन्सेप्ट. इलेक्ट्रॉन तो कहीं भी हो सकता है ना. हम लोग क्या, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी जैसी टर्म आ गया, मतलब वी आर नॉट श्योर ऑफ इट. तो उसने क्या किया, वेव फंक्शन लिखा, हर एक पॉइंट पर प्रोबेबिलिटी निकाला, फिर उसको प्लॉट किया. अब कैसे करते हैं वो सब उतना डिटेल्स नहीं जानना है. प्लॉट किया और फिर उस सरफेस को विजुलाइज करके जो आया उसको एक रीजन बोल दिया जिसको ऑर्बिटल बोलते हैं, और ऑर्बिटल में ही इलेक्ट्रॉन के रहने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा है. सर इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं. हाँ इलेक्ट्रॉन क्लाउड. सर ऐसा कोई मॉलिक्यूल है जिसमें दो इलेक्ट्रॉन शेयर हुए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के पास होने की इक्वल है ना दूसरे न्यूक्लियस? हाँ देखो, एक ये भी है श्रोडिंगर वाला भी जो आगे चलेंगे ना, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए बात करो, ये भी आगे जाकर के थोड़ा सा बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है मल्टी इलेक्ट्रॉन के लिए.
तो अभी दो इलेक्ट्रॉन की तो बात मत करो पहले। हाँ मोनोट्रॉन के लिए आगे जाकर के बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब ठीक है बट सर हाँ बोलो। हाँ मतलब ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन का पार्ट ढूंढ सकता है, ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को हम ढूंढ सकते हैं कहाँ पर है, ये डिफरेंस है ना। ऑर्बिट हाँ ऑर्बिट्स पाथ बता दिया लेकिन ऑर्बिटल्स कुछ नहीं बताया, ऑर्बिटल्स बस प्रोबेबिलिटी बताया। यस प्रोबेबिलिटी बताया यस, दोनों में बहुत अंतर हो गया ना। यस सर रखें फिर आज के लिए सर। बोर मॉडल अभी भी सिंगल इलेक्ट्रॉन के